रमन सिंह, जिन्होंने 15 साल तक लगातार छत्तीसगढ़ राज्य की कमान संभाली। उनका व्यक्तित्व और जन जन में उनका भरोसा ही है कि एक बार फिर बीजेपी ने रमन सिंह को अपना सेनापति चुना और राजनांदगांव विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए उन्हें टिकट दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से सहारा समय की संवाददाता अमोला शील शुक्ला ने खास बातचीत की, देखिए। आदिवासियों दलितों को गाली देने का काम ठाकुर रमन सिंह जी करते हैं, ऐसा भूपेश बघेल कहते हैं। सर, अखबार छाप रहे हैं भूपेश बघेल तमाम जगहों पे जाकर कैसी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर रमन ने 15 साल मुख्यमंत्री की हैसियत से काम किया है और डॉक्टर रमन के बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है, छत्तीसगढ़ जानता है, सब जानते हैं। हमारे सबसे नज़दीकी के लोग, यदि अनुसूचित जाति जनजाति के ट्रैवल लोग हैं, उनको गले लगाने का काम डॉक्टर रमन ने जीवन भर किया है। ये बाकी काम भूपेश बघेल का है। सर, धान माइलिंग को लेकर के वो बोल रहे ईडी झूठे आंकड़े पेश कर रही है। झूठे आंकड़े? यारे, 13,000 पेज के दस्तावेज पेश किया गया है भूपेश जी। तुम्हारे सेक्रेटरी माइनिंग के डायरेक्टर 7.5 महीने से जेल के अंदर है, 3-3 IAS अधिकारी जेल के अंदर हैं, बाकी लोग बेल में घूम रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ का बच्चा जानता है माइनिंग में ऑफलाइन को ऑनलाइन, ऑनलाइन को ऑफलाइन करने में जो 25 रुपया टन ले रहे हो, उसको कोई छिपा नहीं है। ईडी का क्या, कोरवा का बच्चा जानता है 25 रुपया कहाँ दिया जाता है। धान के कस्टम मिलिंग में 20 रुपया 750 करोड़ का घोटाला करने वाले, शराब अवैध रूप से, शराब सरकारी दुकान में, यानी हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता होगा कि गवर्नमेंट के शराब दुकान में सरकार के खजाने का लूट वहाँ के मुख्यमंत्री करे। वहाँ शराब 40% की अवैध बिक्री भूपेश बघेल कर रहा है। ईडी नहीं आएगा तो और क्या, माला पहनाने आएंगे? यदि इस प्रकार के खुला भ्रष्टाचार, छत्तीसगढ़ को लूटने का दोनों हाथ से काम हो रहा है, तो उस काम के लिए यदि आप महादेव वेब में 1,000 करोड़ का सट्टा होता है उसमें पुलिस कार्रवाई नहीं करती, तो PMLA में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में फिर ईडी आता है और पता लगाता है 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ, इनके सचिवालय के अधिकारी उस पर लिप्त हैं। ये सारी प्रमाणिकता है, दस्तावेज ईडी ने किया, IT ने उसको पूरे इन्वेस्टिगेशन किया है। अब इसके बाद इसको क्या नकारें, क्योंकि अब न्यायालय में चला गया है, न्यायालय में सारे बात प्रमाणित होंगे। सर, बोल रहे हैं CBI, ED और IT का आप इनके सहारे पे चुनाव जीतने की कोशिश करें, बट ये पब्लिक है ठाकुर साहब, ये तो सब जानती है। पब्लिक है, सब जानती है और पब्लिक ने तय कर लिया है भूपेश जी। अब तुम्हारे 40 दिन की सरकार बाकी है, 40 दिन में रवानगी तुम्हारी कट गई है। 40 दिन के बाद छत्तीसगढ़ में कमल खिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इसलिए बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में परिवर्तन का जबरदस्त करंट है और वो समझ भी गए, इसलिए उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। सर, मास्टर स्ट्रोक प्लान फिर से लेकर क्या है, कर्जा माफी करेंगे किसानों का, आपके पास मास्टर स्ट्रोक प्लान क्या है, रमन सिंह सरकार के पास क्या है मास्टर स्ट्रोक प्लान, छत्तीसगढ़ सरकार जनता के लिए? जनता के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें हैं और आने वाले समय में हमारा घोषणा पत्र जारी होगा, उस घोषणा पत्र में जितने भी बातें हैं उसको जिक्र करेंगे और शीघ्र 2-3 दिन में हम भी अपनी घोषणा पत्र जारी करेंगे, उसमें किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ होगा। बोल रहे उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते, हम तो किसानों का कर रहे हैं, उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते, बाजार में कोई फायदा दिखता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ किया और भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरुआत की किसानों के कर्जा माफ। बोल रहे हैं कि सर, सबसे भ्रष्टाचारी आपको बोलते हैं वो, कि रमन सिंह जी हैं, जिसमें चिटफंड घोटाले की बात कर रहे हैं, नान घोटाला की बात कर रहे हैं, टिफिन, चप्पल, मोबाइल, ऐसे तमाम घोटाले की बात कर रहे हैं सर भूपेश बघेल, और अखबार भी यही छाप रहे हैं, लिख रहे हैं। सर, 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, 5 साल हो गए, डॉक्टर रमन के ऊपर 1 रुपया के करप्शन का चार्ज लगाने में असफल रहे, 1 रुपया का भी चार्ज लगाने की ताकत भूपेश बघेल पर नहीं है। पूरी पुलिस इनकी, पूरा अधिकारी इनके, चीफ सेक्रेटरी इनके, DG इनके, एक आरोप तो लगाए मेरे ऊपर, एक आरोप को प्रमाणित भी तो करे। इसके तो 13,000 पेज के दस्तावेज प्रस्तुत हो गए हैं और बच्चा जानता है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचारी कर रहा है, तो इसलिए डॉक्टर रमन के बारे में बात करने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता है और छत्तीसगढ़ की जनता को 15 साल मुझे देखा है,
जांचा है, परखा है, ये तो 5 साल में ही सब हालत खराब हो गई। बोल रहा है हमारा बटन दबाने से हितग्राहियों की जेब में पैसा जाएगा, लेकिन बीजेपी का बटन दबाने से क्या होगा, आप बताएं। नरेंद्र मोदी जी के बटन दबने से करोड़ों करोड़ों के जीवन में परिवर्तन आया, और जितनी योजना है मोदी जी ने ही स्टार्ट किया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यदि किसी ने शुरू किया हिंदुस्तान में तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। सीधे हितग्राहियों तक पैसा पहुंचाने का काम, आवास की योजना हो, 4 करोड़ आवास के लिए हो, 12 करोड़ शौचालय के निर्माण का काम हो, 80 करोड़ लोगों के लिए राशन की व्यवस्था करने का काम हो, बिजली की व्यवस्था करने के लिए 4000 आवास गरीबों के घर पहुंचाने की, सीधा बेनिफिट उनको मिलता है। किसानों के खाते में 6000 प्रतिवर्ष पहुंचाने का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, अरबों रुपया पहुँच रहा है। भूपेश जी तो कुछ कर नहीं रहे, मोदी जी ही है जो देश में इस प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहे हैं। ईडी आईडी की छापेमारी करवा करके आप छत्तीसगढ़ की जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं। भूपेश डर रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता तो ताली बजा रही है। अरे डरेगा वो जो चोरी करेगा, छत्तीसगढ़ की जनता ऐसा ताली बजाती है। ईडी जा रहा है तो कौन डरेगा, पुलिस को देखकर कौन डरता है, ईडी को देख के कौन डरता है, इतना दहशत में क्यों है भाई। कोई यदि आपने कुछ नहीं किया है तो आराम से घर में रहो ना, काहे कि ईडी कर रहे हो। जो चोरी करेगा वो इस प्रकार की गतिविधियों से डरता रहेगा, इसलिए डरना जरूरी है भूपेश का। अच्छा है, डरता है तो ठीक है। सर, छत्तीसगढ़ की जनता के दिल में क्या है? डॉक्टर रमन सिंह श्योर है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% आज मैं स्पष्ट रूप से यहाँ बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता 3 तारीख को गिनती होगी और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। अब ये दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये साफ हो चुका है, पूरी ताकत। भूपेश बघेल के मुताबिक उनका ये कहना है, जब से उनकी सरकार आई नक्सलवाद के आंकड़े में काफी गिरावट आई है, जबकि बीजेपी सरकार 15 साल थी, आए दिन आईडी ब्लास्ट की तमाम घटनाएं इस तरीके से नजर आ रही थी। नक्सल का निराकरण हमने 15 साल में किया, सरगुजा पूरा तरीके से मुक्त हो गया और बस्तर भी मुक्ति हो रहा था, आगे 5 साल में करेंगे उसको सब भारतीय जनता पार्टी। सर, जिस शराब घोटाले की आप बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, अगर बीजेपी की सरकार आती है, रमन सिंह मुख्यमंत्री बनकर के आते हैं, तो क्या इस पर शराबबंदी पर जांच की जाएगी? जितने घोटाले हैं भूपेश के, अकेले शराब पे गोबर पे नहीं, पीएससी में जो 50-50 लाख रुपया लेकर डिप्टी कलेक्टर की भर्ती किए गए हैं, उन सारे लोगों की जांच करके उनको हटाया जाएगा, नए बच्चों की भर्ती की जाएगी, और ये पूरे प्रकरण में भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं सबकी जांच कठोरता पूर्वक की जाएगी, दोषी पे कार्रवाई करेंगे। सर, आप कार्रवाई करेंगे, दिल्ली में आपकी सरकार नहीं, लेकिन शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई लोग जेल के अंदर है, तो यहाँ सरकार का क्यों इंतजार कर रहे हैं आप? मैं अभी कार्रवाई नहीं कर सकता, जब छत्तीसगढ़ में इस परिवर्तन की स्थिति आएगी तो सारी बातें। अच्छा ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है मेरा। सर, भूपेश बघेल कई वादे करते, घोषणा पत्र भी देते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ स्पेसिफिक वादे गंगा जल की कसम खा करके पूरा करते हैं, क्या अगर रमन सिंह मुख्यमंत्री बनकर के आते हैं, क्या वो भी घोषणा पत्र के अलावा कुछ स्पेसिफिक वादे करेंगे कसम खा करके? जो झूठ बोलता है उसके वादे को कोई भरोसा नहीं करता। उनको गीता और गंगा जल छूने की जरूरत होती है, डॉक्टर रमन को जरूरत नहीं पड़ेगी। छत्तीसगढ़ की जनता भरोसा करती है, विश्वास करती है डॉक्टर रमन की जवान पे, भारतीय जनता पार्टी की बातों पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर सहारा समय से बात करने के लिए। बहुत तो ये थे डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, सहारा समय के साथ जुड़े, सहारा समय को वक्त दिया, और लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी सरकार को चुन करके छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लेकर के आ रही है। सहारा समय के साथ मैं अमोला शील शुक्ला। आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को, जिन्हें पार्टी ने आगे किया है, चेहरा भी बनाया है। सारा समय से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की और सभी सवालों के जवाब दिए, और ये दावा भी किया कि जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आएगी तो भूपेश बघेल की सरकार में जितने भी घोटाले हुए हैं सभी घोटालों की प्रॉपर जांच कराएगी।